ये सीधे तौर पर हत्यारी सरकार है नीतीश सरकार, ये सरकार जिम्मेवार है। विपक्ष चुपचाप नहीं बैठेगा, ये सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। बेशर्म निर्लज्ज सरकार है, सरकार को अगर थोड़ी सी भी लोक लाज शर्म बची है तो सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। जिस तरह से समस्तीपुर हत्याकांड हुआ है, किसको आप दोषी मानते हैं? तो ये सीधे तौर पर ये पांच लोग आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, ये सीधे तौर पर हत्यारी सरकार है नीतीश सरकार, ये सरकार जिम्मेवार है। इस राज्य में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दुखद घटना घटी, इसकी जिम्मेवारी जवाबदेही तो सरकार की है, इससे सरकार भाग नहीं सकती है और ना हम लोग सरकार को भागने देंगे। जांच कमेटी की मांग, देखिए जांच तो सरकार में बैठे लोग अगर जांच करेंगे, लिपापोती करेंगे हर मामले पर तो देखा ही जाता है, लेकिन ये घटना जो दर्दनाक और दुखद घटना घटी है इसके लिए सीधे तौर पर ये सरकार जिम्मेवार है। सरकार को अगर थोड़ी सी भी लोक लाज शर्म बची है तो सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में पांच पांच लोग आर्थिक तंगी के वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उस राज्य की सरकारें बेशर्म निर्लज्ज सरकार को तनिक भी शर्म नहीं है कि आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है, ये कैसी सरकार चल रही है, इसका तो पाई पाई का हिसाब किताब देना पड़ेगा सरकार को। कल हम लोग जाएंगे, हम खुद और हमारे पार्टी के पूर्व विधायक हैं ऋषि मिश्रा जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से बात हुई है और हमारे नेतृत्व को घटनास्थल पर जा कर के सारे बातों की जानकारी देंगे और सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक और उग्र आंदोलन होगा। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम पाँच वर्षों तक इंतज़ार नहीं करता है, ये सरकार अगर इसी तरह से लोग जहरीली शराब पीकर मरते रहेंगे, कोई आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे तो विपक्ष चुपचाप नहीं बैठेगा, ये सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। जैसा कि आपने कहा था कि विपक्ष जो है वो शांत नहीं बैठेगा, तो पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के द्वारा पोस्टर के माध्यम से काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, जैसे कि प्रतिनिधि सम्मेलन किया गया था उसमें भी पोस्टर के माध्यम से सूचना दी गई थी, और अभी मैं देख रहा हूँ कि राबड़ी देवी आवास के सामने एक पोस्टर लगाई गई है जिसमें यह लिखा गया है कि हे तेजस्वी, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बिहार हूँ, क्या संदेश देना चाहती है? देखिए ये संदेश तो उस दिन रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये दिया गया बिहार की जनता के सामने, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही क्रांति का बोध और आंदोलन का बोध होता है, तो उसमें स्पष्ट है आरोप पत्र में लिखा हुआ, लुटेरी सरकार परेशान बिहार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। ये लाइन बता रहा है कि बिहार किस तरह से रसातल में जा रहा है, बिहार के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बिहार के किसानों का भविष्य, बिहार के मजदूरों का, बिहार के गरीबों का, बिहार की माताओं बेटियों का इज्जत आबरू लूटी जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध है, ये आखिर हो क्या रहा है? तो सरकार जो 17 वर्षों से बैठी है, ये सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड दिया गया और एक भी जवाब, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि वो दे पाए। हमारी खुली चुनौती है, जितने सवाल आरोप पत्र में महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लगाए हैं सत्ताधारी दल के ऊपर, अगर हिम्मत है सरकार में तो हमारी खुली चुनौती है आप जवाब दीजिए, और एक एक पॉइंट ये जो कार्ड में दिया हुआ है आपकी नाकामी का, सरकार की नाकामी का, इसका जवाब अगर हिम्मत है तो सरकार दे, नहीं तो कुर्सी छोड़े।
उस एक जो पोस्टर लगी है कि मैं तेजस्वी, मैं बीमार हूँ, उस पोस्टर का क्या मतलब? ये मतलब ये है कि बिहार की जनता ये कह रही है, कराह रही है कि बिहार को बीमार किसने बनाया, बिहार को लाचार और मजबूर किसने बनाया, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को घेर करके आपने देखा है कि नागपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा ये सरकार चल रही है, तमाशा बन करके रह गया, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, हर लोग चारों ओर लोग परेशान हैं, देखिए नौजवानों के चेहरे पर, देखिए किसानों मजदूरों के चेहरे पर उदासी है, लेकिन हम बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, ये सावन भादों में डूबेगी ये सरकार की नैया। हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समस्तीपुर हत्याकांड सिर्फ और सिर्फ सरकार की असफलता का सबूत है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट कार्ड का जवाब दे। तमाम अपडेटों के लिए जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।